तो लोग ना पहले तो मना कर देते हैं, उनसे कहो जब उनको गाड़ी दिख जाती है ना तो वो थोड़े से एक्साइट हो जाते हैं, फिर वो मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लॉक कर देता हूँ गाड़ी को। जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं ना, इस तरह का कैबिन बना होता है, यहाँ पर इनका ओनर या मैनेजर बैठे होते हैं, तो मैनेजर से सीधा बात करो, वो हेल्प करवा देते। सर देखो कितने मार दिए, भाई खून खून हो गया हर जगह देखना। अब इसमें मशीन इधर है लेकिन हमारा जो गाड़ी का टैंक है वो उधर की तरफ है। टोटल ईरान में हम 1366 किलोमीटर चला चुके हैं, अब 1000 या 1200 किलोमीटर और चलेगी फिर हम ईरान क्रॉस कर जाएंगे, यानी टोटल 2500 किलोमीटर के आसपास चलाना है हमें ईरान में। भाई अब दे देंगे, चलो देख रहे हो कितना डीजल बर्बाद करते हैं भाई, पानी के भाव बिकते हैं यहाँ पे, एक्चुअल में पानी से भी सस्ता डीजल। ओके पूछ लेना चाहिए भाई, डीजल लिया ना कहीं गलती से पेट्रोल डाल दिया तो ऐसी हो जाएगी गाड़ी। एंड यहाँ पे भी वही 3 तोमान का है 1 लीटर, यानी इंडिया के 5 रुपए केवल। मजेदार भाई।